गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के जो हमारे पेपर के 100 नंबर हैं उसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी है तो हिंदी से शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कामारी का विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है कामधन री, कामधन आरी, कामाधन अरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कामारी क्या हो जाएगा? काम धन अरी। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि हो रही है कामारी। अगला है, यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथार्थ का अर्थ होता है योग्यता अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कर्णिका नृत्य कर रही है, इस वाक्य में बताना है उद्देश्य क्या है? नृत्य होगा या है या कर्णिका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वाक्य के देखो दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो जो कर्ता होगा मुख्य वो क्या है? उद्देश्य है, तो कर्णिका इसमें उद्देश्य हो जाएगा, बाकी जो भी बचता है उसे कहते हैं विधेय। तो वाक्य में ये चीज बस याद रखना है, उद्देश्य और विधेय। अगला है, लताओं का समूह कहलाता है। ठीक है, लताओं का समूह क्या कहलाता है? इनमें से कुंज, पुंज, दल, ढेर, इनमें से बताना है। तो लताओं का समूह होता है उसको बोलते हैं कुंज। अगला है, तत्सम बताना है, इनमें से तत्सम कौन सा है? ईंट, इतना, कुष्ठ, आंख। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो सीधे संस्कृत से निकले हुए और उसके बाद बनते हैं वो तद्भव। जैसे अग्नि है, तत्सम अग्नि से बनेगा आग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ कोढ़ रोग को कहा जाता है, तो कुष्ठ संस्कृत का है। संस्कृत के जो तत्सम होते हैं उसकी हमने पहचान क्या बताई थी कि ज्यादातर उनमें आधे अक्षर से मिलकर बना होगा या उनमें र ऊपर आ रहा होगा या नीचे आ रहा होगा। जैसे उग्र है ना, कर्म है, तो र की पहचान है। ठीक है, अक्षर आएगा जैसे परीक्षा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? तत्सम की पहचान। नेक्स्ट है कपर्दिका। कपर्दिका का तद्भव क्या बनेगा? इसका होता है कौड़ी। फिर बताना है आपको, रति का संबंध किससे है, यानी रति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है घृणा, दुख, क्रोध, प्रेम। तो रति हो जाता है प्रेम को। ठीक है, रति जो है कामदेव की पत्नी को भी कहा जाता है और कामदेव को कहते हैं रति पति, तो रति का संबंध प्रेम से है। अगला है विलोम बता रहे, अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का विलोम, अर्पित मतलब अर्पण कर देना, देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? ग्रहित, ग्रहण करना, तो अर्पित का ग्रहित हो जाएगा। नेक्स्ट है तोप गाड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये योगरूढ़, रूढ़, संकर या इनमें से कोई नहीं। तोप और गाड़ी ये दो से मिलकर बना है। देखो तोप जो है, तोप तुर्की से लिया गया है ना, जो बाबर था वही अपने साथ तोप सबसे पहले लेके आया, तोप बारूद, तोपची। ठीक है, गुड मॉर्निंग। वन तो तोप गाड़ी जो शब्द है वो किन दो भाषाओं से बना है? एक संकर हो गए ना, मिश्रित, तो तोप गाड़ी हो जाता है तुर्की और हिंदी का। ठीक, अगला है हवा, ये किस भाषा का है? अरबी 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 का है हवा। ठीक है, फिर चित्रकूट, जनु अचल अहेरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा पंक्ति में? चित्रकूट, जनु अचल अहेरी। ब्रेक हाँ, जनु आ गया इसमें है ना, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनु, बस ये उत्प्रेक्षा की पहचान है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर है उपमा अलंकार के भेद, उपमा के भेद कभी कभी अलंकार के अंदर भी पूछ लेते हैं।
जैसे अनुप्रास के पांच होते हैं, उपमा के केवल दो ही हैं, एक पूर्ण उपमा एक लुप्त उपमा, है ना। उसमें पूर्ण उपमा होती है, एक में लुप्त रूप में होता है। फिर है समरस को नहीं दोष गोसाई, एक मुहावरा है ये, समरस को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ क्या है? सबल का कोई दोष नहीं दिखता, समर्थ सदा दोषी होता है, सबल दोष छुपा लेता है या कोई नहीं? सबल का कोई दोष नहीं दिखता। हाँ, सबल का कोई दोष नहीं दिखता है। फिर है संप्रदान का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है लेना, देना, मेल, धर्म। देना। संप्रदान हो जाता है देना। फिर अधिकरण कारक में चिन्ह क्या होगा? अधिकरण में और पर। फिर किसमें नी प्रत्यय नहीं लगाए? नी, कुटनी, शेरनी, मोरनी, नौकरानी। नौकरानी इसमें आनी लगा है, तो इसमें नी नहीं है। कोई भी प्रत्यय वाला शब्द को हटाकर देखना है कि कौन सा उसमें शब्द बन रहा है। ठीक है, अगला है इसमें अंधेरे में, इसकी कविता है अंधेरे में। मुक्ति बोध। मुक्ति बोध, मुक्ति बोध की है, सही है। फिर दाज्यो किसकी रचना है? शेखर जोशी की। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? 1994। उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गया। ऊषा मठ कहाँ है? ऊषा मठ यह रुद्रप्रयाग में है। यहाँ बुढ़ियात नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जौनसारियों का नृत्य है ये। किस भाषा को बोलने वाले उत्तराखंड में सबसे कम है इनमें से? ठीक है, बंगाली, नेपाली, गढ़वाली, उर्दू। नेपाली बोलने वाले इनमें से सबसे कम हो रहे हैं। ठीक है, उर्दू वाले की संख्या भी अच्छी खासी है, है ना। मुस्लिम समाज गढ़वाली तो है, और बंगाली लोग भी रहते हैं उधम सिंह नगर में, तो नेपाली से वो भी ज्यादा ही है। फिर सिमलगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है? कल भी बताया था सिमलगढ़। इसे लंदन फोर्ट भी कहते हैं, अब इसका नाम लंदन फोर्ट हो गया। इनमें से कौन सा एक ऋतु गीत है? चैती, चौफुला, छूड़ा, छपेली। चैती, चैती चैत के महीने हो रहा है तो ऋतु गीत, जिससे कोई खास समय पर ही किए जाते हैं तो वो ऋतु गीत हो जाते हैं। जैसे चौमासा केवल बरसात में, है ना। फिर उत्तराखंड क्षेत्र में किस दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई? 71 से 81 के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? हरिद्वार। फिर पायता किसका त्योहार है, ये भी जनजाति में से बताना है। पायता जौन सारी। फिर किसाऊ बांध किस नदी पर है?
टोंस नदी पर, टोंस नदी पर, टोंस नदी पर है। फिर अटल अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में कब आई? अटल आयुष्मान योजना। फिर लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खुटानी। फिर किस राजा के दरबार में नौ रत्न थे? परमार राजा फतेह शाह के समय थे। फिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू की गई थी? स्किल डेवलपमेंट के लिए हुनर जिनके अंदर है उनकी मदद की जाएगी 2015 में, ठीक है, हुनर योजना थी। नेक्स्ट है, प्रजा मंडल में कितने सदस्य थे? ये चार सदस्य थे प्रजा मंडल। प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त नहीं है पर वो। जनवरी में था ना, कितना था? 23 जनवरी। 23 जनवरी 1939। तो 1 अगस्त वाले में क्या था? विलय हुआ था वो। पूर्णागिरी शक्तिपीठ जो है उत्तराखंड के ज्यादातर शक्तिपीठ सती से संबंधित है। सती के किस अंग से जुड़ा हुआ है पूर्णागिरी? यहाँ पे है नाभि अंग है ना, नाभि। ठीक है, फिर है उत्कंठिता नायिका का चित्रण किसने किया? ये चित्र किसने बनाया उत्कंठिता नायिका? मौला राम का ही है। फिर है धतीमा कैसा वाद्य यंत्र है? एक चर्म है ये, ठीक है, धतीमा चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में बताना है तुमको नगरीकरण का प्रतिशत। तीस दशमलव 23 है नगरीकरण, ठीक है, बाकी ग्रामीण आबादी हो जाएगी। भारत में इससे एक अंक ज्यादा है, 31% लगभग है भारत का। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं चैती किसका मुख्य त्योहार है, किस जनजाति का? बोक्सा समाज का है। फिर इसमें अगला आ गया पवन हंस सेवा हेली सेवा केदारनाथ के लिए किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2003। 16 अगस्त 2003 से प्रारंभ हो गई थी। पूर्वी कुमाऊनी की कितनी बोलियां हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत जो है चार आएगी इसमें। फिर कविता में पहाड़ किसकी कविता है? ये कविता में पहाड़ ये इनके नाम में अनुप्रास अलंकार आ रहा है ना, चारू चंद्र चंदोला क्या चा चा आ रहा है। तो कविता में पहाड़ इन्होंने लिखा है। एक वो भी थी पहाड़ के भीतर आगे पहाड़ ऐसे करके नाम था इन्होंने, नहीं बलवंत मंडल ऐसे करके था ना, तो वो रामपुर तिराहा उसके ऊपर लिखी है वाली कविता।
फिर एक घर जमे किस भाषा की फिल्म थी? है घर जमे गढ़वाली, घर जमे जो है गढ़वाली है, ये अभी तक की सबसे प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जमे भी है। ठीक है, इसने 6 महीने तक ये दिल्ली के संगम सिनेमा में रिकॉर्ड बनाया था। जैसे 16 फिल्म चली थी किसी जमाने में, वैसे रिकॉर्ड इस घर जमे फिल्म का वहां पे रहा था। अच्छा, फिर है कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? काला, नीला, पीला, भूरा, इनमें से बताना। भूरा 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 होता है कस्तूरी मृग। और एक उसका पूछ लेते हैं, नर मोनाल कैसा होता है? नीला भूरा, ठीक है, उसका भी आया था नीला। इन सबके रंग हमें पढ़ने हैं, देखो जब तक यही पेपर न निकले। फिर किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था? 525 से 545, यह 31वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया। अब जो है दोबारे से बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। नेक्स्ट है वैध मतों का, अब जी इसके संविधान राज्य व्यवस्था के प्रश्न आ गए। वैध मतों का कितना भाग न प्राप्त होने पर जमानत जब्त हो जाती है? किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त मानी जाती है? लगभग 15 कह सकते हैं, 1/6 भाग है ना। फिर एक वर्ष में संसद की कितनी बैठक आवश्यक होती है? दो बैठक हो जानी चाहिए। उत्तराधिकार ये विषय किस सूची का है? उत्तराधिकार कभी कोई सा भी समवर्ती सूची का है, कोई सा भी विषय पूछा जा सकता है राज्य में, संघ में या समवर्ती का। किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है? यह 248 248 में संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य का विषय है चाहे वो अवशिष्ट सूची का है, और अपनी सूची का है संघ का उसका तो बना नहीं है। तो 248 में अवशिष्ट सूची के बारे में लिखा हुआ है। फिर इनमें से बताने कौन सा विषय राज्य का है? भूमिकर, आयकर, बीमा या सभी? सभी है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भूमिकर ही होगा क्योंकि आयकर तो है इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स लगता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो राज्य का तो है नहीं। और बीमा, बैंकिंग बीमा जो भी होते हैं ये सब किसके, ये भी संघ सूची वाले हैं ना। राज्य देखो अपनी बीमा कंपनियां नहीं बनाते कभी भी, IRDA के हिसाब से चलता है सब कुछ। यस सर। अबे भीम अकेला, देखिए उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और है अभी। भीम अकेला ये किसकी रचना है? विद्यासागर नोटियाल, प्रेमचंद कहते हैं उनको। फिर रुद्रचंद का उत्तराधिकारी कौन था, यानी रुद्रचंद के बाद कौन आया? रुद्रचंद के बाद उसी का ही पुत्र आया था है ना। रुद्रचंद का जो पुत्र था वो जन्म से अंधा था, ठीक है। हाँ, तो फिर लक्ष्मीचंद बना है ना, उसका भाई बना लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद है उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। तो शक्ति गोसाई को धृतराष्ट्र बोलते हैं, कुमाऊं का धृतराष्ट्र। अब है पटरंग वाली प्रथा का संबंध किस राजा से था? पटरंग वाली इंद्रचंद है ना, जो रेशम की तकनीक लेकर आया उत्तराखंड, रेशम की फैक्ट्री कुमाऊं में लगवाई
नेक्स्ट है भौरी अमोला कुंड किस जनपद में? भौरी अमोला, यह रुद्रप्रयाग। इसके बाद है केदार खर्क कहाँ है? केदार उत्तरकाशी खर्क उत्तरकाशी उत्तर काशी में है। केदार अगला है दीपावली पर इनमें से कौन सा नृत्य होता है? भैला, सिपैया, घुघुती या छोपती? ढेला भैला जो होता है वो दिवाली में ही खेला जाता है। अगला है पवनलिया कैसा आभूषण है? पैर पवनलिया जो है किसका है? ये पैर का है, बिल्कुल सही। तुग्गल कान कान का है। हम अच्छा, इसके बाद है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जनपद? बागेश्वर जिले में है। हम उत्तराखंड के कितने जनपदों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? सात सात यह 6 में, ठीक है, 6 जनपद में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, बाकी में 1000 से नीचे। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन से क्रम की जनगणना थी? पंद्रहवीं पंद्रहवीं जनगणना थी वो, अभी तक 15वीं हो चुकी है, 15 हो चुकी है। फिर है पलायन आयोग किस वर्ष बना? 2017 ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग, अब इसका नाम ये हो गया। पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री 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 ही होते हैं इसके अध्यक्ष तो, और एस एस नेगी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो 2 बार इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पहली रिपोर्ट में पौड़ी को बताया गया था सबसे ज्यादा, इस बार क्वेश्चन भी बना था घोस्ट विलेज वाला, तो पौड़ी है। और दूसरी रिपोर्ट जो पलायन आयोग की आई उसमें स्थायी जो पलायन हुआ है अल्मोड़ा आ जाएगा नंबर 1, ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पलायन। तो स्थायी पलायन में ऐसा आ जाता है जिसने बाहर ही घर ले चुका है, बस गया हो परमानेंट हम, और टेम्परेरी में एक ही बच्चे कोर्स आदि करने के लिए बाहर जा रखे हैं, उनके वापस आने की भी संभावना है, तो वो स्थायी अस्थायी हो गया। फिर अनिल चंद्र पुनेठा किस पद पर है उत्तराखंड में? अनिल चंद्र पुनेठा सूचना मुख्य सूचना आयुक्त। फिर विश्व की आबादी लगभग कितनी है? आठ आठ 8 अरब है, जो कि 15 नवंबर 2022 को हुई थी, ठीक है, 8 अरब का आंकड़ा छुआ था। अब भारत की भी नंबर 1 हो चुकी है हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डिजिटल शक्ति अभियान ये राष्ट्रीय महिला आयोग। फिर नवंबर 2022 में FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किया? अरे अरे ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था नवंबर 2022 में। फिर धर्मेंद्र प्रधान के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्री है। हाँ, फिर बुल और बियर का संबंध है? बुल और बियर शेयर मार्केट शेयर मार्केट से है ये।
शेयर के दाम ऊपर और नीचे लेके जाते हैं बुलर बियर। एसबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1955। फिर सेबी एक्ट कब आया? सेबी अधिनियम बोलते हैं इसको। 1992 में सेबी एक्ट आया था, और वैसे 1988 में सेबी की स्थापना हुई है, तो अधिनियम 4 साल बाद आया है। फिर है शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? आरटीई 2010। तो 1 अप्रैल 2010 86वें संशोधन के द्वारा इसको दर्जा दिया गया था, फिर लागू किया 2010 में। संशोधन 2002 में आ गया था 86वां। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी? एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने ये बात बोली थी। फिर ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म का ग्रंथ है? यहूदी ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, फिर है भारत में कौन सा स्थान हीरे के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान होता है। पन्ना, पन्ना आ जाएगा। ठीक है, फिर लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया? 1929। ये था 1912 में। और इसमें जो है बाल मुकुंद गुप्त को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, हार्डिंग पर बम फेंकने के जुर्म में। फिर मोरबी पुल हादसा किस राज्य में हुआ था? गुजरात। गुजरात में हुआ था पुल टूटने वाला हादसा। फिर सोन जल 2022 नाम से उत्सव कहाँ मनाया गया? सोन जल ये J&K जम्मू कश्मीर मनाया गया है। फिर PSLV C-54 ये भारत का एक रॉकेट है, इसने कितने नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए? PSLV C-54 इसने किए थे 8 सैटेलाइट नैनो। नैनो के नाम से जो है, नैनो मतलब अति सूक्ष्म सैटेलाइट है वो। फिर 2001 से 11 के दौरान, यानी जो पिछली जनगणना थी उसी की बात हो रही है, 2001 से 2011 के दौरान भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? सालाना दर कितनी थी? 17। तो ये तो 10 की वृद्धि दर बताई तुमने, 1.64 हो जाएगा सालाना पूछेंगे तो 1.64 है। इनमें से भारत किसका सर्वाधिक निर्यात करता है? चाय, बासमती चावल, रुई का या गुड़ का? चाय। इनमें से जो है सबसे ज्यादा हो रहा है बासमती चावल की डिमांड है ना? फिर पश्चिम एशिया आर्थिक सहयोग आर्थिक आयोग है ये। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद से संचालित होता है। संयुक्त राष्ट्र में जो अंतिम देश शामिल हुआ था 193 क्रम में, वो कब आया था? 2011 में आया था, दक्षिण सूडान, ईसाई बहुल जनसंख्या वाला देश, दक्षिण सूडान, जूबा राजधानी है।
ठीक है, अब दूसरा शुरू करते हैं। आज हमने जीएस में बोला था भारत का भूगोल वाला, शुरू के चार पेज पढ़ लेना। सबसे पहले देखो सामान्य जानकारी आती है इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,63,263 ना, पिछली बार शायद ये सचिवालय में या किसी पेपर में आ गया था, किसी में पूछा था। फिर क्षेत्रफल में भारत का स्थान सातवां है, ठीक है। सबसे पहले रूस है, ठीक है। रूस के बाद कौन सा है? कनाडा। रूस है, कनाडा, रूस है, कनाडा है, फिर चीन है। पहले जो तीन है ये। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है परसेंट में? 2.42% लगभग है, 4.2 है वैसे तो, तुमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, मोदी जी खुश हो जाएंगे। जी सर। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। हाँ, तो ये वाले जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, एग्जाम में आ चुका है पहले, कनी साहब के पेपर में भी पूछा था, ठीक है। तट रेखा की लंबाई कितनी है? कुल तट रेखा पूछी जाएगी, तब तुम्हें पॉइंट वाला बताना है। 7,516.5 लगभग, तो ये वाले एग्जाम में पूछा था, और उन्होंने लगभग की जगह उसको फिर एग्जैक्ट करके राउंड फिगर में ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 है। हाँ, तो 9 राज्य जो हमारे मुख्य तट रेखा पर है, मुख्य भूमि में, उनकी 6,100 है टोटल, है फिर 7,516.5। फिर सर्वाधिक स्थल सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। इसकी ट्रिक थी बचपन में एमबीए किया, पहले बचपन आएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर एमबीए से म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, तो ये ऊपर से नीचे घटते क्रम में हो रहा है। फिर जल थल सीमा पर कितने देश हैं? जो जल में भी कॉमन है, थल में भी है। तीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का? इंदिरा पॉइंट। हाँ, इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, याद रखना। ये दक्षिण निकोबार का हिस्सा है। फिर वालांगू, ये कहाँ है, किस दिशा में है ये बिंदु? वालांगू है अरुणाचल का, यानी सबसे पूर्वी, ठीक है, पूर्वी आ जाएगा तो वालांगू आ जाएगा। उत्तर दिशा में जो तुमने अभी बताया था इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, और पश्चिम में क्या है? गौर माता। गुजरात में सरक्रीक सीमा है ना, सरक्रीक जो पॉइंट है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किसके मध्य हुआ था? है भारत चीन है। फिर डूरन रेखा 1896 में रेड क्लिफ पूछी थी इन्होंने, पर बांग्लादेश का ऑप्शन उसमें दिया था, फॉरेस्ट गार्ड में। जी सर, पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, तो फिर उसके हिसाब से बांग्लादेश ही हो गया। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई, और वैसे भारत और पाकिस्तान आ जाएगा उसका, अगर वो ऑप्शन नहीं होता तब ये आ जाएगा।
फिर देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? पांच 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 से। एक मिनट करो, एक मिनट वेट करो। देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? पांच पांच राज्यों से। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक है। उन छवा उत्तर प्रदेश, वो से दो बार आ रहे, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देशों को शामिल किया गया? इसमें पांच है। ठीक है, तीन तो वो याद रखने जो भारत से अलग हुए, एक खुद भारतीय है, एक पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, फिर भूटान है और नेपाल है, तो पड़ोसी। ठीक है, तो ये पांच को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट। जैसे चीन आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। फिर सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। गुजरात, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात तो पश्चिम का है, कब आएगा? आंध्र प्रदेश सबसे लंबी तटरेखा पूर्वी तट पर। तो दोनों तरफ के बंदरगाह भी ध्यान रखने। कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा। कौन सी नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल में यांगयाप, यांगयाप, बोमडिला और पांगसाद्र, ये अरुणाचल के दर्रे हैं। तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर। यह मणिपुर का। फिर रोहतांग हिमाचल। हिमाचल का है रोहतांग। जलेबला सिक्किम। नाथुला और जलेबला ये वहां के सिक्किम के। एलिफेंट पास श्रीलंका। श्रीलंका तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ता है एलिफेंट दर्रा। अब नेपाल हिमालय, जो कि चारों हिमालय में सबसे लंबा माना जाता है, कितने किलोमीटर का है नेपाल हिमालय? हिमालय का जब प्रादेशिक विभाजन करते थे, चार भाग है उसके, पंजाब, कुमाऊं, कुमाऊं के अंदर पूरा उत्तराखंड आ गया, नेपाल 800 किलोमीटर का ही है, ठीक है, सबसे बड़ा, और असम हिमालय। तो सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सबसे बड़ा है
नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। अगला मैकाल पठार कहाँ है? मैकाल पठार एमपी एमपी छत्तीसगढ़। भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र किसे कहा गया? ये भी एक पठार है, छोटा नागपुर। झारखंड में छोटे नागपुर को कहा गया, ये रांची का पठार भी कहते हैं इसको। सतपुड़ा पहाड़ किस राज्य में? सतपुड़ा की पहाड़ियां एमपी 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 की है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र 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 में महाबलेश्वर। फिर है नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु तमिलनाडु में। और पहला जैव मंडल क्षेत्र भी नीलगिरी के नाम से है। ऊटकमंड कहाँ है? ऊटी जिसे कहते हैं, फेमस है ऊटकमंड, ऊटी नाम से। ये भी तमिलनाडु का क्षेत्र है ऊटकमंड। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अन्नमुड़ी हो जाएगा, अन्नमलाई पहाड़ी पर अन्नमुड़ी। तीन पहाड़ियों के केंद्र में है, दक्षिण से इलायची की पहाड़ियां, उत्तर में अन्नमलाई, पूर्व में पालनी की पहाड़ियां। अब आ जाते हैं यहाँ का जो समुद्री तट है। पूर्वी समुद्री तट पर कौन से तीन भाग है पूर्वी समुद्री तट के? कोरोमंडल, कोरोमंडल, उत्तरी शिखर और गोलकुंडा। गोलकुंडा और पश्चिम में मालाबार, मालाबार, कोंकण और केनरा। केनरा तट कोंकण और मालाबार का प्रसिद्ध है। तो तीन तीन दोनों साइड के याद रखने, ये जरूर आता है एग्जाम में, आने के चांसेस होता है। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? एनोर एनोर यह है विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तुतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु तमिलनाडु। सर्वाधिक बंदरगाह है इस राज्य में? चेन्नई, एनोर और तुतीकोरिन तमिलनाडु में। अलंग पोर्ट कहाँ है? अलंग बंदरगाह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार नहीं, यह है गुजरात का। ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये पोत विखंडन के लिए जाना जाता है, यानी जो बड़े बड़े शिप रिटायर हो जाते हैं उनको यहाँ पे लाके तोड़ा जाता है अलंग पोर्ट में। इसी तरह रसायन का बंदरगाह, वो भी गुजरात का है, दाहेज बंदरगाह। और प्राचीन काल से वहां पे लोथल बंदरगाह भी था, वर्तमान में कांडला बंदरगाह है, उसको दीनदयाल बंदरगाह नाम हो गया। फिर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई हो जाएगा सबसे बड़ा। फिर पुलिकट झील के किनारे कौन सा परवाल द्वीप है जो मिसाइल प्रक्षेपण स्थल भी है भारत का? तो इंदिरा गांधी वाला, श्री हरिकोटा। किस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक? सैडल पीक अंडमान, अंडमान
और निकोबार आइलैंड्स। अब नदी तंत्र वाला है, इसमें कल इसे पढ़ लेना, ठीक है। नदी, झील, जलप्रपात, भारत की मिट्टी, यहां तक। अब आगे उत्तराखंड, ठीक। अब जो 3-4 दिन बाद फिर हिंदी के टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अगले महीने से। आज बोला था हमने दो जिले, बागेश्वर है, ठीक है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? 1921। और कुली एजेंसी कब बनी थी? 1908। ज्योत सिंह नेगी ने बनाई थी। आठ। 1913 तक 10 कुली एजेंसियां बन चुकी थी। बागेश्वर जिला कब बना? 18 सितंबर 1997 को। कितने विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर बागेश्वर में? दो है, जिनमें से बागेश्वर सीट SC के लिए है आरक्षित। फिर है धार पानी, धार से कौन सी नदी निकलती है? यह कोसी, जिसे कुमाऊं में धान का कटोरा भी कहते हैं, कोसी नदी की घाटी को। काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से प्राप्त होता है? सरयू। ना, सबसे पवित्र नदी है सरयू को ही माना जाता है। सरयू की लंबाई 148। कहाँ से निकलती है सरयू? सरयू झुंडी का स्थल से निकलती है। कब कोट भूस्खलन कब हुआ? 2010। हाँ, और कब कोट में भूकंप कब आया था? 6.3 का, 1966। उत्तरायणी मेले का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया था? होली हिमालय, शर्मा ओकले, 1905 में ओकले ने किया था इसका उल्लेख। ट्रेल पास की खोज 1830 में। गांधी जी ने गीता कब लिखी थी कौसानी में? 1929 में। और कौसानी और ये कुमाऊं यात्रा के दौरान उनको 40,000 रुपये भी वहां पे हरिजन कोष के लिए एकत्र किए थे। फिर 1931 में जो दोबारा जब आए थे तब नैनीताल में मेलकम हेली से भी उन्होंने मुलाकात की। लक्ष्मी आश्रम कब बना? 1941 में। तो अभी जिला सीरीज वगैरह हो जाएंगी काफी, फिर हिंदी पे ध्यान भी देना है, उसके बाद फिर अजय रावत बुक के भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और उसका PDF बना के दे दूंगा, तो उन्हें फिर पढ़ लेना ना उस बुक में, क्योंकि क्वेश्चन बने भी नहीं है, तो एक दो पेज पढ़ने के बाद एक आध क्वेश्चन निकलता है, डिटेल में है सारी बुक, है ना। जल्दी वालों के लिए यही बुक है, जैसे BS नेगी परीक्षा वाणी, इसमें बना बनाए क्वेश्चन है ना, ये कहाँ है ये कहाँ है, वहां पे बस तुम कहानी पढ़ते रहोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसमें से आएगा क्या। लेकिन डीप हिस्ट्री के लिए अच्छी बुक है, अजय रावत जी की जो बुक है काफी अच्छी बुक है वो, तो इसलिए वहां से निकल सकते हैं क्वेश्चन, UK SSC दे सकता है ऐसा पेपर। अभी तो सचिवालय का होगा पहले, तो हो सकता है वो थोड़ा हल्का रहे।
सचिवालय का भी अच्छी जॉब है, देखो उसमें बेनिफिट केवल ये है कि लाइफ टाइम तुम्हें देहरादून ही रहना है, भले ग्रेड पे थोड़ा 1-2 हजार कम से स्टार्ट होगा पर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अदर बेनिफिट काफी हो जाते हैं, है ना। बाकी जॉब में क्या है कि तुम मान लो कहीं पे हो और तुमने वहां पे 5-7 साल में अपना जमाया सब कुछ और फिर जब तक हो गया ट्रांसफर, लेकिन जो ये सचिवालय वगैरह की जॉब होती है, समीक्षा अधिकारी है या जो भी निकली हुई है ना, कोई भी जॉब है ऐसी जगहों पे होती है विधानसभा में, तो यहाँ पे फिक्स है कि भाई ये तो बदलेगी नहीं कभी, है ना। आयोग की जो जॉब है देखो, तो अधीनस्थ आयोग में भी वीडियो के अंदर ही एक पोस्ट निकली हुई सहायक समीक्षा अधिकारी की, है ना। और कनिष्ठ सहायक के भर्ती में भी वहां की एक जॉब थी, कुछ 3-4 पद थे उसमें, लेवल 5 के पद थे वो, तो जो आयोग का लेगा देखो उसको फिर आयोग में रहना है हमेशा, है ना। 60 साल तक की उम्र तक देहरादून रहने को मिलेगा उसे, ग्रेड पे भी अच्छा है ना, कहीं ट्रांसफर, काम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जब भर्तियां चलती है देखो तभी थोड़ा काम होता है, वरना वहां तो वैसे ही 10-10 महीने निकाल लेते, एक एक भर्ती नहीं होती है ना, सब ऐसे चलता है। अब मैं चंपावत के क्वेश्चन बताओ, धनुष बाण के देवता एडी देवता, एडी देवता, हाँ, घटकू मंदिर किस पहाड़ी पर है, ये बलोदी जी की बुक में देखिए इसकी डिटेल, जनजाति आस्था के घटकू देवता है फुगर पहाड़ी पर, तो वही बुक में लिख देना इसी फुगर। डिटेल। मारकोट किले का दूसरा नाम किसका किला था, मारकोट बाणासुर बाणासुर का किला, बाणासुर का। चंपावत जिला कब बना, 15 सितंबर 15 सितंबर 1997 1997 में। चंपावत तहसील कब बनी, 13 मई 1872 है, बहुत पहले बनती थी, 13 मई 1872 है, ठीक है। तो कुछ चीजों में डेट भी आयोग पूछ लेता है देखो, है ना, डेट कंफर्म करके। चंपावत तो बस सीमित किताबें ही पढ़नी है उत्तराखंड की, जैसे 2-3-4 पढ़ ली बहुत है, सीमित किताबों से ही कि अपने साथ रखो, उन्हीं में तुम्हारा परफेक्शन आएगा तो इसको और खुद बढ़ेगा। अगर 100 किताबें और आ रहा हमें उनमें से 2-2% तो कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारे पास 4 किताबें और उनमें से 70-70%, 80-80% आ गया, तो पेपर तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद है झिलमिल ताल की आकृति कैसी है, गोल गोल ताल है ये, कटोरे बगवाल मेला जो होता है ना, किस त्योहार के समय लगता है, बगवाल रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के समय होता है। चंपावत में सूर्य मंदिर कहाँ है, खेती खान खेती खान का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, दीप महोत्सव भी आयोजित किया जाता है यहाँ पर। अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर है, अन्नपूर्णा पर, पूर्णागिरी, ये पूर्णागिरी, पूर्णा से याद रखना है, पूर्णागिरी, जैसे अभी बताया था नाभि अंग की पूजा होती है, तो और घटोत्कच का मंदिर और हिडिंबा का मंदिर भी यही है चंपावत। फिर लोहाघाट छावनी कब बनी, लोहाघाट की छावनी 1839 में, 1839। मायावती आश्रम की स्थापना, मायावती आश्रम, इसे अठारह हाँ 19 मार्च 1839, इसे अद्वैत आश्रम भी कहा जाता है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष आए थे मायावती आश्रम, 1901 1901 में। उत्तराखंड का मुसोलिनी हर्षदेव हर्षदेव औली को कहा था अंग्रेजों ने कहा था ये।
कितनी विधानसभा है चंपावत? दो ही विधानसभा है। अभी हर्बल खेती के जनक किसे कहते हैं? जो यही के चंपावत के व्यक्ति हैं, श्याम सुंदर दिगारी। श्याम सुंदर दिगारी को बोलते हैं हर्बल खेती का जनक। ठीक है, अब इसमें बचा है उधम सिंह नगर। कल यह है, कल जिले खत्म हो जाएंगे और फिर इसमें कर देंगे आगे एक दिन मंदिर मंदिर सारे। तो कल उधम सिंह नगर करना है तुमको। ठीक है, और इस वाले में भारत के भूगोल में जो बताया था अभी, नदी वगैरह, झील, ये सब है। ठीक है, तो कल के लिए तुम्हें दे दिया काम, फिर मई से करेंगे हिंदी के टॉपिक्स स्टार्ट। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।